नहीं दी, आज्ञा नहीं दी तो वे ये चाहते थे कि फिर मैं गुरु की आज्ञा नहीं हुई तो मैं सिद्धाश्रम तक नहीं पहुंच सकूंगा, मुझे क्या करना है। उन्होंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे आप प्रसन्न हो और मैं सिद्धाश्रम पहुंच सकूं। सिद्धाश्रम इसलिए पहुंच सकूं कि मैं एक सामर्थ्यवान व्यक्ति हो सकूं, मैं सामर्थ्यवान व्यक्ति इसलिए हो सकूं कि सिद्धाश्रम के योगी मुझे कहे कि मैं भी एक सिद्धाश्रम का योगी हूं। और जब तक ये नहीं हो सकता प्रभु मेरे को कोई मार्ग नहीं है, आप मुझ पर कृपा करें, ऐसा उन्होंने निश्चलेश्वरानंद जो बाद में उनका सन्यासानंद का बाद का नाम निश्चलेश्वरानंद जी हो। तो वे बहुत दिन तक यही बात कहते रहे कि प्रभु मुझे क्या करना है, मैंने किस तरह, एक ललक थी उनमें, एक भावना थी कि मैं क्या करूं और किस तरह पहुंच जाऊं। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू कोई एक ऐसा लोक कल्याण का कार्य बना बता दे जिसके कारण तू संसार में प्रसिद्ध है। अब उन्होंने लोक कल्याण का कार्य क्या करे इसके लिए ढूंढते रहे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने लगा गुरु कृपा से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्होंने एक ऐसी जगह जहां पहाड़ के ऊपर इतने ऊंचाई पर, अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो हम जोशीमठ जाने से पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है, उस पहाड़ पर चढ़ना ही कठिनाई है। वो बिना खाए पिए एक एक पत्थर जोड़कर उन्होंने उस पहाड़ पर स्वामी निखिलेश्वर जी का मंदिर बनाया और वे वही साधनारत रह गए। वे साधनारत रह गए और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपका मंत्र जप करना चाहता हूँ और आपके मंत्र जप से मैं उस साधना को संपन्न करना चाहता हूँ कि सिद्धाश्रम। और उन्होंने निर्णय किया कि मुझे कुछ न कुछ मार्ग बताओ। तो व्योमगामी जो सिद्धाश्रम के योगी थे ऐसा ही घूमते थे गुरुमंडल पर, तो उनकी स्थिति देखी कि वो सूख कर लकड़ी हो गए थे, उनको उनके पास कुछ भी नहीं था। उस पहाड़ पर उन्होंने स्वामी निखिलेश्वर जी का मंदिर देखा, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे आज मरे या कल। तो जो सिद्धेश्वर व्योमगामी सिद्धाश्रम के योगी थे वो जाते जाते उन्होंने देखा कि एक ऐसा आदमी यहाँ बैठा हुआ कुछ कार्य कर रहा है। वो उन्होंने उनके पास उतरे और कहा भाई इतने पहाड़ पे आए हो, यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, पानी नहीं है, कितने दिन से तुम यहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन से यहाँ हूँ और स्वामी निखिलेश्वर जी का मंदिर यहाँ बनाना चाहता हूँ। बोले ये किस लिए कर रहे हो? तो मुझे स्वामी निखिलेश्वर जी की कृपा प्राप्त करनी है और मुझे सिद्धाश्रम पहुँचना है। वो हंस गए और बोले आज निखिलेश्वर जी के पास पहुँचना क्या मामूली बात, उनकी कृपा प्राप्त करना क्या मामूली बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता तो प्राण यहीं इसे यहीं जगह त्याग दूंगा। उन्होंने ये निश्चय कर लिया। तब उन योगियों ने देखा कि ये निश्चित रूप से प्राण त्यागेगा। उन्होंने सिद्धाश्रम के योगी स्वामी निखिलेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु इनको पर इनके ऊपर कुछ कृपा तो करो, इनके ऊपर कृपा करो प्रभु, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। तब उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए, उनको शक्ति प्रदान करते हुए स्वामी निखिलेश्वर जी को उन्होंने कहा कि तुम इस पद्धति से स्वामी निखिलेश्वर जी की आराधना करो, इस पद्धति से तुम स्वामी निखिलेश्वर जी की पूजा करो। कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये पूजा कर पूजन करो। उस स्वामी निखिलेश्वर जी ने उस तरह जो सिद्धाश्रम के योगी थे उनके कहने पर उन्होंने उस गुरु पादुकाओं का पूजन, स्वामी निखिलेश्वर जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद स्वामी निखिलेश्वर जी उन्हें उसी पर्वत पर प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा तू क्या चाहता है प्रभु, या तो ये प्राण चले जाए या फिर मैं आपका नाम लेकर सिद्धाश्रम पहुंचूं। सिद्धाश्रम गुरुजी ने उसके उनके ऊपर कृपा की। उस पूजन से, उस साधना से जो एक ही दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही की जाती है, बाद में इस साधना को गुरु पर्व के सेवा कभी भी किया नहीं जाता। ऐसी गुरु पूर्णिमा की साधना जिसे दश महाविद्या की सिद्धि, वेदों की सिद्धि, उपनिषदों की सिद्धि और सिद्धाश्रम पहुंचने की सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे स्वामी निखिलेश्वर जी ने उनके ऊपर कृपा करने का कृपा की और उन्होंने कहा कि मुझे आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा, स्वामी निखिलेश्वर जी कहते हैं कि देख मैं यहाँ से जैसा ही चलते जा रहा हूँ, तूने देखना मैं जैसा जैसा चलते चला हूँ तू मेरे पीछे चलते हुए आना। उसने कहा प्रभु मेरे में शक्ति ही नहीं है, मैं वहां तक कहाँ चलूंगा और आप इतने स्पीड में चले जाएंगे, इतनी जल्दी चले जाएंगे कि मैं आपको पकड़ भी नहीं सकता, इसके लिए क्या करना है। तब उन्होंने कहा तू चलने की क्रिया तो कर, आगे मैं देखता हूँ। स्वामी निखिलेश्वर जी जैसा ही जा रहे थे, जहाँ जहाँ उन्होंने पादुकाएं रखी वहाँ वहाँ एक फूल गिरता था और स्वामी निखिलेश्वर जी के उस पाद पद्मों को देखते हुए वो आगे बढ़ा और जैसा ही पहाड़ के नीचे तक आया उसको फूल नहीं दिखा। अब वो क्या कहे, यहाँ से तो फूल नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए। उसने देखा इस नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और नदी बह रही है तो इस नदी को पार नहीं कर सकते ना, फूल नहीं दिख रहा है।
अभी बहुत देर विचार करता रहा कि स्वामी कृष्ण ने कहा है कि तू जैसा ऐसा मेरे चरण दिखेंगे मेरे मैं मेरे फूल रखते जाऊंगा और तुझे यहाँ से चलना होगा। तो उसने देखा कि अभी आगे नदी एक खाई की तरह है, अभी जाना कैसे चाहिए। तो उसने देखा कि एक फूल ऐसा नीचे उतर रहा है जो पादपद्म का कमल का पुष्प नीचे उतर रहा है। अरे रे, उसने कहा तो ये विधान है। उन्होंने उस फूलों को देखकर वहां से एक बार कूद गया नीचे, नीचे कूद गया तो सीधे सिद्धाश्रम के गेट पर ही पहुंच गया और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम लेकर कहा कि मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूँ। और उन्होंने उनके पादपद्मों को बताया है, देखो उनके पादपद्म यहाँ है। तो उन्होंने उस गेट पर पादपद्म को बताया और कहा मुझे ओहो तो तुम हो, तुम्हें आगे अंदर आने की हम आज्ञा देते हैं। और वो सिद्धाश्रम के गुरु पूर्णिमा के दिन ही उस सिद्धाश्रम में प्रवेश कर चला गया। तो ऐसी साधना इसके बारे में भी और एक बार भी कहा जाता है कि एक बार विद्यारण्य स्वामी जो शंकराचार्य की परंपरा में जगत गुरु कहलाए, बाद में श्रृंगेरी के पीठाधिपति भी हुए, उनके जीवन में भी ऐसी ही एक घटना घटी। जब वे जा रहे थे तो उनको भुवनेश्वरी की साधना करने की इच्छा हुई। उन्होंने विरूपाक्ष स्वामी के पास गए और भुवनेश्वरी की साधना संपन्न कर रहे थे। तो उन्हें भुवनेश्वरी की साधना संपन्न करते करते उन्हें लगा कि प्रभु मेरा देश लूटा जा रहा है। बहुत सारे उन्होंने अपने धर्म के नाम पर सारे हिंदुओं को बहुत चेंज कर दिया है और इस देश को मैं कैसे बचाऊं, मैं वेदज्ञ हूं। लेकिन उनको कब दुख हुआ कि जब मुगल लोग श्रीरंगम पर आकर अटैक करने वाले थे और सभी वहां के पुजारियों ने यही निर्णय किया कि स्वामी श्रीरंग की मूर्ति जो है उस मूर्ति को वहां से हटाया जाए, तो उनको ये बहुत दुख की बात लगी कि वो मुसलमान या वो मुगल जो मंदिर को लूटने आ रहे हैं उनके डर से हम हमारे भगवान को वहां से हटा रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति अगर हो तो हम किस लिए जी रहे हैं, क्या मतलब हुआ। तब उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना की और कहा कि हे देशिकेंद्र महाराज जी, आज अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो हम आगे क्या करें, हम उसके भय से देवताओं को मंदिरों में हटा रहे हैं, ऐसा किस तरह हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि हम्पी विरूपाक्ष के पास जाओ और वहाँ जो तलीघर है वहाँ आप साधना करो, आपको उसका प्रति उसकी इच्छा मिल जाएगी। तब तक तो यह ब्रह्मचारी थी। जैसा ही भुवनेश्वरी माता के पास जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि माँ इस स्थिति को तो मैं नहीं देख सकता, इसे कुछ ना कुछ करो कि मेरा देश हम भी स्वतंत्र हो, हम भी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की तरह हमारा जीवन जिए। हमारे एक एक हिंदू मर रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इसे देखा मैं नहीं जाता, फिर मैं इतने वेद को उपनिषदों को इतना सब पढ़कर उसका क्या लाभ, आप कुछ करो कि मुझे सामर्थ्यवान बनाओ। तो उन्होंने कहा कि भुवनेश्वरी की साधना करो। उनके गुरु ने कहा, ये भुवनेश्वरी की साधना अपने गुरु के कहने पर करने के लिए बैठ गए, लेकिन कितना भुवनेश्वरी की साधना करें उन्हें कोई भी दृष्टांत नहीं हुआ। तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यारण्य स्वामी अपने गुरु के पास गए और कहा कि मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि मैंने इतनी भुवनेश्वरी साधना की, अगर ऐसा ही साधना करता रहा तो मेरे देश के लोग लूटे जाएंगे, मंदिर गिराए जाएंगे और मेरा उद्धार नहीं होगा। प्रभु आज गुरु पूर्णिमा है, आप कुछ ऐसा करो कि मुझे स्वामी भुवनेश्वरी साक्षात दर्शन दें और मैं देख सकूं कि मुझे मेरे जीवन में क्या करने का है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा क्या करना है, अगर तुम्हें हिंदू साम्राज्य की स्थापना करनी है तो धन चाहिए, तो तुम हिंदुओं को धन दें, उनको धन दौलत दें, उनको क्षत्रियता दें, उनको तलवार दें, घोड़ा दें, हाथी दें, ये सारी चीज़ें हों, उनको एक राज्य हो तो वो कुछ कर सकते हैं। और धन की कमी हमारे पास थी, धन को सारे तरह सभी तरह से लुटा गया था, धन हमारे पास नहीं था। तब उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना है। तो भुवनेश्वरी की साधना करते समय तो रोते हुए रात में सोते हैं और कहते हैं कि माँ भुवनेश्वरी मुझे ये बता दे कि किस तरह धन इकट्ठा करके मैं राज्य की स्थापना करूंगा। भुवनेश्वरी देवी कहती है कि हे विद्यारण्य, तुझे इस जन्म में कभी धन नहीं मिलेगा और तू राज्य की स्थापना नहीं करेगा। उनको बहुत दुख हुआ, उन्हें याद आया इस जन्म में नहीं मिला तो माँ ये देख ले, अगर कोई भी पुत्र या कोई भी अपना अगर जनेऊ तोड़कर संन्यास ले लाए तो संन्यास देता है तो उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। ले मैं मेरा जनेऊ तोड़ रहा हूँ और मैं तेरा दूसरा जन्म चाहता हूँ और मेरा नाम उन्हें का नाम विद्यारण्य रखा।
तो माता भुवनेश्वरी ने कृपा करके कहा, मैं तेरे दूसरे जन्म को जानती हूँ, अब तू साधना कर, तुझे धन चाहिए तो मैं तुझे 7 मिनट से लेकर 45 मिनट तक धन की वर्षा तो जहाँ साधना करता है वहाँ करवाऊंगी। और उन्हें साधना की और उन्होंने विजयनगर की साम्राज्य स्थापना की। जो साधना उन्होंने गुरु पूर्णिमा के लिए आज कम से कम 1500 साल पहले की बात है जो उन्होंने की थी, वही साधना मैं आज आप सभी लोगों को एक सामर्थ्यवान शिष्य बनाने के लिए करवाना चाहता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है लेकिन इसका समय हम शाम में 6 से 8 के बीच में करवाता हूँ। संध्या समय में इस साधना को करनी चाहिए और साधना का विधान स्वयं मैं बैठ के करवाऊंगा क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन जो जो भी हम परम गुरु जी के बारे में करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त करके हम असमर्थ नहीं जिएंगे।